मध्य प्रदेश सहित इंदौर शहर में इन दिनों डेंगू के मरीज सहित वायरल फीवर की बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। ऐसा लेकर प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल MYH में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डेंगू और वायरल फीवर के मरीजों के लिए अलग से वार्ड खोल दिए गए हैं। CMHO ने बताया कि इन दिनों लगातार डेंगू और वायरल फीवर के मरीज इंदौर जिले सहित आसपास के जिलों से भी मरीज इंदौर आ रहे हैं। ऐसे में इंदौर में पहले से ही डेंगू और अन्य वायरल फीवर के मरीजों के लिए इंतजाम किया गया है। खासकर देखने में आ रहा है कि डेंगू बच्चों को भी खासा असर कर रहा है। वहीं डेंगू को लेकर CMHO ने लोगों से डेंगू और वायरल फीवर से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। हाँ, वही आज अभी देखा हम लोग की पोर्टल पे जो एंट्री हुई है उसमें 12 मरीज आए हैं। और चूँकि डेंगू के हम लोग बात करते हैं तो डेंगू में चूँकि एडीज मच्छर की वजह से ये होता है, और चूँकि मैक्सिमम समय एडीज मच्छर जो है वो दिन के समय अलर्ट रहता है। तो सभी से मेरे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आपके अभी बरसात का सीजन है और इस समय डेंगू मलेरिया का या दस्त उल्टी का ये ज़रूर सीजन रहता है, तो इस समय हमारे जो भी आसपास मकान के आसपास पोखर या जहीं से पानी का ठहराव हो गया, पानी की निकासी हम कर लें, या हमारी छत के ऊपर जो ट्यूब रहे हैं या खाली मटके पड़े हैं या गमले पड़े हुए हैं तो उनमें पानी इकट्ठा नहीं होने दें, या हमारा ओवरहेड टैंक है या फिर जो पानी का स्टोरेज टैंक है हमारा या नीचे ग्राउंड लेवल पर अंदर में टैंक है उसमें भी देख लें कि कहीं बारीक बारीक कीड़े तो नहीं घूम रहे। एक्चुअली ये कीड़े ही हमारा मच्छर का लार्वा है और यही आके चल के मच्छर बनता है। और शाम के समय आप खिड़कियों या दरवाजे बंद रखें या मच्छर जाली रहती है वो जाली का यूज़ करें। दिन के समय भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना फुल का शर्ट पहने ताकि हम मच्छर से बचाव कर सकते हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।